नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, खूबसूरती ऐसी कि अपनी आंखों पर यकीन न हो। दोस्तों, अलग अलग आर्टिस्ट्स द्वारा खींची गई हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स जो एंगल, कलरफुलनेस और पर्सपेक्टिव के चलते खास हो गई हैं। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। 2010 में इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि फोटोग्राफ्स के जरिए कम्युनिटी पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। इस खास दिवस के मौके पर हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों की कुछ बेहतरीन तस्वीरें। ये इतनी खूबसूरत, कलरफुल और परफेक्ट टाइम वाली हैं कि लगता है इन्हें फोटोशॉप की मदद से तैयार किया गया है। हालांकि ये वास्तव में कैमरे से खींची गई फोटोज ही हैं। ये फोटोग्राफर की प्रतिभा का नमूना है। ऊपर की तस्वीर चीन के यूनान प्रांत में स्थित शहर लिजांग की है। फोटोग्राफर हैं एथेंस में 1953 में जन्मी दिमित्रा स्टैसिनोपोपुलू। बैंकिंग सेक्टर में 20 साल बिताने के बाद 1994 में उन्होंने रिजाइन कर दिया और रोमानिया में फैमिली बिजनेस से जुड़ गई। 2005 में उनकी पहली किताब रोमानिया ऑफ माई हार्ट पब्लिश हुई थी। इसके बाद से वे दूर दूर के देशों में घूम घूम कर तस्वीरें खींच रही हैं। उनकी भारत, भूटान, बर्मा, चीन आदि देशों पर किताबें आ चुकी हैं। क्या है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे? हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका विचार 2009 में ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्स के आरा के मन में जन्मा था। उनका ख्याल था कि फोटोग्राफी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, इसलिए उन्होंने दुनिया भर के फोटोग्राफर्स को एक सूत्र में बांधने के लिए यह इवेंट क्रिएट किया। इसे मनाए जाने की शुरुआत 2010 से हुई। उस साल सिर्फ 250 फोटोग्राफर ही इससे जुड़े थे। पिछले साल वैश्विक स्तर पर 50 करोड़ लोगों ने इस इवेंट से संबंधित तस्वीरें वेब, प्रिंट आदि विभिन्न मीडियम में देखी थीं। इस दिवस के लिए 19 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1937 में इसी दिन डेग्यूएरेटाइप नामक फोटोग्राफिक प्रोसीजर का आविष्कार किया गया था। इस प्रोसीजर को जोसेफ नीसेफर और डेग्यूएरे नामक दो फोटोग्राफर्स ने बनाया था। संयोग से दो साल बाद 1939 में 19 अगस्त के दिन ही फ्रांस सरकार ने इसके पेटेंट अधिकार खरीदने के बाद इस प्रोसीजर को पेटेंट मुक्त करके सभी के लिए मुफ्त कर दिया था। धन्यवाद।